पहले शूज ले लिए क्योंकि जा रहे हैं बर्फ में। मैं मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था हम वहाँ पे आ गए हैं। हम हैं गुलमर्ग में और मैं गिरना चाहूँ। आई होप मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती कैसा है। ये देखो गाइस कितना सुंदर है ये। और अभी धूप हो रही है तो ये मेरे गाइड सर हैं जिनके उस पर मैं रुकी हूँ। तो बहुत फन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे धूप हो रही है तो इतनी ठंड नहीं लग रही, बट ठंड तो है। अगर हम ये जैकेट वगैरह उतार देंगे तो ठंड लगेगी। गाइस आप बताओ कैसा लग रहा है। ये देखो बहुत ही सुंदर है। और ये ग्लासेस मैंने खरीद लिए हैं यहाँ से 100 रुपीज़ के, क्योंकि पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी वरना। यहाँ पे सब कलरफुल कपड़ों में और मैं एकदम ब्लैक, क्योंकि वैसे पहने नहीं जाते हैं कलरफुल कपड़े। तो मैंने ये ग्लासेस ले लिए सिर्फ अपने लिए और आई वॉज़ गुड टू गो। मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है व्यू और मैं जा रही हूँ इंजॉय करने। मिलती हूँ थोड़ी देर में। से ना मन था कि मैं कभी ना कभी एक बार अपनी लाइफ में सोलो ट्रिप करना चाहती हूँ और मैंने फाइनली कर ली है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी लोग ये चीज़ सोच रहे हैं ना गाइस, गो फॉर इट, ज़्यादा सोचो मत, बिकॉज सोलो ट्रिप की फीलिंग ही अलग होती है यार, सच बता रही हूँ। मतलब आप हमेशा किसी ना किसी के साथ जाते हो, मे बी बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स या फिर कोई फ्रेंड, वो भी एक अच्छी फीलिंग होती है। पर जो सोलो ट्रिप की फीलिंग होती है, मैं नीचे से देख रही हूँ कि मैं गिर ना जाऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है, पर जो सोलो ट्रिप की फीलिंग होती है ना गाइस वो बहुत ही अलग होती है। और मैं अपना गोरिल्ला पॉट भूल गई थी तो हम लेने जा रहे हैं, सर ने ले लिया है। ये कहीं पर, हाँ ये भी कहीं कर सकते हैं, कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं इसको कैसे करके, पर ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो मैं ये दूसरा ऑर्डर करूँगी। और यहाँ पर गंडोला राइड कहाँ पर होती है सर? ऊपर पहाड़ पे टॉप पे ले जाएगा। हाँ तो पर ना आई एम सो डाइसी अबाउट इट बिकॉज मेरा इतना मन नहीं है कंडोला करने का। आई जस्ट वॉन्ट टू फील दिस प्लेस और तो कंडोला जाने का मन नहीं। आप भी मैं फिलहाल उस ब्रिज पे जा रही हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, फोटोज लेने, थोड़ा इन्जॉय करेंगे फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ले लिया अपने लिए कश्मीरी कावा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बहुत इन्जॉय कर लिया है और अब हम जा रहे हैं चर्च पे ऊपर। अगर आप ये रहा चर्च, यहाँ जा रहे हैं बहुत तेज। मैं बड़ा इन्जॉय किया यार, वीडियोज बनाई, फोटोज क्लिक करी। से हाय, बैठे बैठे, ओ सॉरी, चलते चलते बहुत थक गए। मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, सामने का व्यू देख लो। और ये नाक पे कोई ब्लशर नहीं है, नाक हो रही है लाल, प्यास लग रही थी तो वो लेने गए हैं मेरे लिए पानी। मैं थक गई हूँ बट चर्च है पीछे दिखाई दे रहा है। अब आई हूँ उतना दूर तो चर्च भी हो लेते हैं, तो चर्च जाती हूँ और घूमती हूँ। तो गाइस चर्च तो बंद है पर मुझे यहाँ मिल गया ये डॉगू और ये बहुत क्यूट है। मैं बस पोज दे रही हूँ, मैं 2-3 बार गिर गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने ये सिर्फ पोज दिया है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। और कुछ मंच करने का मन कर रहा था तो मैंने अंकल से ले लिया है भेलपूरी, देखते हैं कैसी है खाने में। तो वैसे खाने में एक्चुअली में बहुत टेस्टी है यार विद दिस व्यू। तो गाइस गुलमर्ग का सफ़र बस इतना ही, मैं जा रही हूँ वापस और बहुत सारी यादें लेकर जा रही हूँ साथ में। फिर से शुरू हो गई है मम्मी के लिए शॉपिंग, मैं उनके लिए देख रही हूँ सूट कश्मीरी। तो गाइस मैं आ गई हूँ वापस श्रीनगर और भूख लग रही है तो मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया है ये फ्राइड राइस साथ में ब्लैक कॉफ़ी और मैं खाने वाली हूँ। और यहाँ पर कुछ पेस्ट्रीज भी हैं तो मैंने अपने लिए ले ली है एक वेज फ्रूट पेस्ट्री। तो गाइस
अभी ऐसे देख के आपको मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मेरा हाथ टूट गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता ही है मैं श्रीनगर आ रखी हूँ और मुझे यहाँ पे लोगों ने ये पहना दिया है, इसे कहते हैं फेरन, और इसके अंदर मैंने ले रखी है, इसे कहते हैं कांगड़ी। तो यहाँ के लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए वो इसके अंदर इसको ऐसे रख लेते हैं और हाथ अंदर और अपना काम करते रहते हैं साथ में गाइस। तो आई थिंक दिस इज वेरी कूल गाइस, इवन आई वॉजंट अवेयर कि ऐसा भी कुछ होता है, एंड इट इज एक्चुअली हॉट, मतलब आपकी बॉडी इससे बिल्कुल गर्म रहती है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं भी यहाँ पे ऐसी कश्मीरी फील ले रही हूँ पूरा, इतना पतला रहता है। फिर जब हमें इस पे एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ती है, इसमें जो ये बेस है हमें इसको डबल लेयर बनाना पड़ता है, ट्रिपल लेयर बनाना, तब जाके एम्ब्रॉयडरी। सो ये स्टफ रहता है यहाँ पर, और कारपेट्स हमारे पास रहते हैं ऑफकोर्स। यहाँ पर कारपेट्स दो तरह के बनते हैं, एक तो हैंड नॉडेड बनता है, दूसरा हैंडमेड बनता है। इनमें डिफरेंस क्या रहती है, ये नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स पे डिपेंड रहता है, जितना हाई नंबर ऑफ नोट्स होता है उतना क्लियर कारपेट रहता है। तो ये चीज है। तो गाइज मैं आ गई हूँ रूम में और ठंड बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, मतलब मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आई के नॉट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स, पर बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं यार, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम योर, पीपल आर वेरी नाइस ओवर योर। एंड जो भी सोच रहा है ना कश्मीर आने का, अगर कोई किसी के मन में भी कोई डाउट्स है, डू नॉट थिंक मच, जस्ट कम हियर, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे सब कुछ, लोग इतने अच्छे हैं ना, जगह जगह पे आपकी हेल्प करते हैं हर चीज़ में, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं और हो, आप एकदम यहाँ पे ना एकदम चिल माहौल है। मतलब हम सोचते हैं ना यार कि कश्मीर है, हम सोचते हैं बहुत बार, पर यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है और सेफ भी है और लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई होप मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया और आपको बहुत कुछ दिखा दिया इस वीडियो के ज़रिए। आई होप आपने मेरे साथ साथ इन्जॉय किया है गाइस। मेरी ट्रिप बहुत ज़्यादा छोटी थी, पर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ, और मैं इतना ही एक्सप्लोर कर पाई हूँ इन दो दिनों में। तो आई होप आपने भी मेरे साथ इन्जॉय किया हो गाइस। मैं आपको बता दूँ कि कल मेरी 1 बजे की आफ्टरनून का की फ़्लाइट है, 1 बजे मेरा डिपार्चर है यहाँ से, तो मुझे सुबह 10 बजे निकल जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी हाई रहती है, तो आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। तो मैं सुबह 10 बजे निकल जाऊँगी, और इतना ही मेरा ट्रिप था गाइस। आई होप आपको मज़ा आया हो मेरे साथ, और मुझे तो बहुत मज़ा आया, ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब मैं बता नहीं सकती यार, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और बस अब मैं जा रही हूँ सोने, और आपको मिलूँगी सुबह, क्योंकि सुबह मेरी फ़्लाइट है, मुझे घर जाना है, और कल रात को 10 बजे से ही मेरा होम स्टैंड बाय लगा है, तो देखते हैं कि कहाँ पुल आउट करते हैं। तो मैं 2:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी दिल्ली, और फिर घर 3:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी होपफुली, और उसके बाद शाम को फ़्लाइट पे जाना है। वीडियो मैं कल ही क्लोज करूँगी, तो मैं आपको सुबह मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए गुड नाइट। So guys, it's time to say goodbye to Kashmir. This is the view. It's 10:30 in the morning. Going back to Delhi. बाहर से कहीं मिलेगा शाही कावा, दिलवा देना अगर मिल जाए तो, और कुछ नहीं, कुछ नहीं और। तो गाइज मैं निकल गई हूँ, फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू कश्मीर, और आई हैड अ ग्रेट टाइम हियर, पीपल आर सो नाइस ओवर हियर। मतलब अगर अब आगे मेरी कभी भी छुट्टियाँ पड़ेगी ना, तो आई विल ऑलवेज कंसिडर श्रीनगर, बिकॉज यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दे वर सो वेलकमिंग, और मुझे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होने दिया किसी भी पॉइंट पे, या बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो, और एवरीबडी वॉज सो हेल्पफुल गाइज, आई के नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। आई हैड अ ग्रेट टाइम योर, एंड ऐसा मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं ऐसे चली जाऊँ, मेरा मन कर रहा मैं यहीं रह जाऊँ किसी तरीके से, पर देखो लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट हियर बिकॉज इतनी ठंड होती है और ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, पर इसीलिए ना मेरे को अच्छा ही लगता है। मैं देखती हूँ ना कि टूरिज्म में, यहाँ पे टूरिज्म एक बहुत ही मेन चीज़ है, तो
इवन आई डोंट लाइक टू बार्गेन एंड ऑल हियर बिकॉज ये लोग इतनी मेहनत का काम करते हैं और उसके बाद भी हम 10-10, 20-20 रुपए पे बार्गेनिंग करें. तो मेरा जितना बजट था मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं फालतू की बार्गेनिंग ना करूं और तब भी मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मेरे बजट में रहा. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड एंड ओवरऑल द ट्रिप वॉज ऑसम. दो छोटा ट्रिप था बट स्टिल आई हैड अ ग्रेट टाइम और मैंने बहुत मेमोरीज यहाँ पे बना ली हैं और मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी इस चीज़ को. सो मैं अब आपको मिलती हूँ एयरपोर्ट पहुँच के और पापा जा रहे हैं दिल्ली यार काम में, वही कल से काम है, कल से क्या आज रात से ही काम है और फिर देखते हैं कैसे जाता है बचा हुआ डिसम्बर गाइज. तो मैं आपको मिलती हूँ एयरपोर्ट पर या फिर दिल्ली पहुँच के गाइज. गाइज मैंने एयरपोर्ट से ये वाली बुक ले ली है 20 इंडियंस, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने थोड़ी अंदर से पढ़ के देखी तो मैं ये पढ़ूंगी अभी जाके एयरक्राफ्ट में. मेरी फ़्लाइट हो गई आधा घंटा डिले तो मैं ऐसे ही घूम रही थी तो ये बुक मुझे अच्छी लग गई. और रात को मैं इतनी चैन से सो रही हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मैंने कहा बुक ही पढ़ लूँगी, आपको बताऊँगी कैसी थी. मेरे श्रीनगर ट्रिप की वीडियो में इतना ही. आई होप आपने मेरे साथ साथ एंजॉय किया होगा. मैं सिर्फ दो नाइट्स के लिए गई थी और पहली नाइट को वैसे भी मैं शाम को पहुंची थी तो मैं जितना कवर कर सकी और मैं जितना आपको दिखा सकी वो इतना ही था गाइज. एंड आई होप आपने मेरे साथ साथ एंजॉय किया हो. ऑल्सो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फ्लाइट टिकट्स स्टाफ ट्रैवल के थ्रू कितने रुपए में हुई. तो मैं आपको बता दूं कि जाने की दिल्ली से श्रीनगर की टिकट मेरी हुई थी 1100 समथिंग, जो मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो 1200 रुपीस की मुझे दिल्ली से श्रीनगर की टिकट पड़ी थी. और जब मैं श्रीनगर से दिल्ली आ रही थी तो मुझे 1400 समथिंग की पड़ी थी, तो विच इज़ 1500 रुपीस बिकॉज जो भी स्टाफ होते हैं उनको डिस्काउंट मिलता है, मतलब इंक्लूडिंग अस हम चार लोगों को फैमिली से ऐड कर सकते हैं जिनके टिकट्स कॉम्प्लीमेंट्री होगी, टिकट्स फ्री होंगे गाइस. सो टिकट्स फ्री से मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ टैक्स पे करना है, दैट्स इट. तो जैसे दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट पे टैक्स था 1100 समथिंग, तो मैंने सिर्फ टैक्स पे किया और श्रीनगर से दिल्ली आते वक्त भी मुझे सिर्फ टैक्स भरना था तो जो पड़ा 1400 समथिंग गाइस. तो बस मेरा जो भी खर्चा हुआ है वो ट्रांसपोर्ट में हुआ है, मेरी शॉपिंग में हुआ है और मेरे होटल स्टे में हुआ है. और होटल में तो मैं गई नहीं बिकॉज मेरा ट्रिप इतना छोटा था, मेरा मन ही नहीं करा चेंज करने का. मैं सोचा कोई बात नहीं मैं हाउस बोट में ही रुक जाती हूँ. तो आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, आप जब कमेंट करते हो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज. और आने के बाद मैं सो गई थी तो मैं उठने के बाद ही व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज मैंने क्लोजिंग नहीं की थी व्लॉग की, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं थक गई थी और थोड़ा सा टेम्परेचर वेदर चेंज हो गया था ना तो थोड़ा सा वियर्ड सा फील हो रहा था. तो गाइज और आप प्लीज़ मुझे जीमेल पे भी मेल कीजिए, मैं वहाँ पे भी आप लोगों की मेल्स पढ़ती हूँ. अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या किसी चीज़ के बारे में भी आपको मुझे कुछ कहना है या कोई बात करनी है या आपके कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे प्लीज़ ईमेल भेजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस, ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल. तो ये था मेरा पूरा ट्रिप गाइस, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ प्यार दिखाइए और अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रखिए. बाय गाइस, आ जाओ.